काफ़ी महीनों से बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि जो हीरो होंडा चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक जो नया सड़क जाएगा, जो नया रास्ता बन रहा है, उसका क्या अलाइनमेंट है, उसका क्या अपडेट है। तो ये वीडियो हीरो होंडा चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट तक जो रास्ता बनेगा, इसके बारे में डिटेल में है। तो इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा अलाइनमेंट का पता चल जाएगा, और आपको साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, कितना अभी काम बचता है और कितना काम हो गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले पहले मैं आपको एक अलाइनमेंट समझा देता हूँ। इस वीडियो में मैं इस जगह से ड्राइव करता हुआ, यहाँ से ड्राइव करता हुआ लेफ़्ट ले लूँगा, ये हीरो होंडा का चौक है। यहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा और आपको एक एक करके अलाइनमेंट समझा देता हूँ। जो पहला पैच है इस अलाइनमेंट का, वो 2.2 किलोमीटर्स का है। ये जो पैच है ये NHAI बनाएगी। ये पैच का जो लैंड एक्विजिशन है, और इस पॉइंट से लेकर ये पटौदी रोड है, पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है, और ये हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे जब हम जाएंगे तो उस रोड का इंटरसेक्शन है। उमंग भरद्वाज चौक है ये यहाँ से। तो यहाँ से जब हम स्ट्रेट जाएंगे तो इस पॉइंट तक, एक्चुअली ये इस पॉइंट तक, ये सारा गुरुग्राम पटौदी रेवाड़ी का जो नेशनल हाईवे है उसके अंदर में इसका लैंड एक्विजिशन हुआ है, जिसका 3D नोटिफिकेशन हो चुका है, जो मैंने आपको पिछले 2 दिन पहले जो वीडियो डाला था उसमें दिखाया था, उसके बारे में बताया था। पटौदी रोड का इंटरसेक्शन और द्वारका एक्सप्रेसवे का जब इंटरसेक्शन का वीडियो मैंने आपको दिखाया था, तो उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया था आपको। आप चाहें तो वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो ये जो पहला पैच है ये 2.2 किलोमीटर्स का है, इसका काम फिलहाल अभी शुरू नहीं हुआ है। काम यहाँ से शुरू होता है, जो GMDA का पैच है। यहाँ पे दो अंडर पासेज होंगे, एक अंडर पास यहाँ पे होगा, ये खानसा रोड के पास, ये वही अंडर पास है। ये जो रास्ता है ये अगर आप यहाँ से स्ट्रेट चले जाएंगे ऐसे करके, इस रास्ते से होते हुए यहाँ से स्ट्रेट, और ये रास्ता यहाँ से ऐसे आएंगे तो यहाँ पे आप CPR पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये सेंट्रल पेरिफेरल रोड है, जहाँ पे ये CPR का पार्ट है, ये सेक्टर 37A है। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं तो आप सोना रोड होते हुए, ये सदर्न पेरिफेरल रोड है एक्चुअली ये यहाँ पे, तो ये CPR का पार्ट है। यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि CPR में ये जो पैच है लैंड का, ये अभी तक MCG ने NHAI को हैंडओवर नहीं किया है यहाँ का, ये जो पैच आप देख रहे हैं, जिसके वजह से ये जो खानसा रोड से जो लोग आएंगे वो यहाँ से NHAI जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पैच जो है ये अंडर पास है, वो बन ही नहीं पाएगा अगर ये लैंड हैंडओवर नहीं होता है। तो अब आइए हीरो होंडा चौक की तरफ। तो ये अंडर पास, पहला अंडर पास है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे रोड में 2 फुट ओवर ब्रिज होंगे, एक यहाँ इस पॉइंट पे कहीं पे होगा फुट ओवर ब्रिज। ये उमंग भरद्वाज चौक है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर होगा वो NHAI बनाएगी। तो फिलहाल जो काम चल रहा है उसमें ये फ्लाईओवर नहीं है इंक्लूडेड। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये बसई का जो चौक है वहाँ का फ्लाईओवर है। इसका जो टोटल लेंथ है वो 519 मीटर का होगा लगभग, और यहाँ पे ही एक फुट ओवर ब्रिज होगा, जो सेकंड फुट ओवर ब्रिज होगा इस पूरे स्ट्रेच में, वो यहाँ पे कहीं पे होगा वो फुट ओवर ब्रिज। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से, ये बस डिपो है यहाँ का। ये इस ब्लू लाइन से लेकर जो यहाँ से आगे रास्ता आएगा यहाँ तक, ये रेलवे ट्रैक है। इसके इधर द्वारका एक्सप्रेसवे के सारे सेक्टर्स है, ये सारा ओल्ड गुड़गांव है। तो यहाँ से बसई रोड से जब आप यहाँ आएंगे तो इस पॉइंट तक जो रास्ता है वो GMDA बना रही है, जिसका लेंथ टोटल है 1.95 किलोमीटर्स। उसके बाद यहाँ पे रेल ओवर ब्रिज होगा। रेल ओवर ब्रिज का भी जो पार्ट है, जो यहाँ पे जो हिस्सा होगा वो भी GMDA बनाएगी, लेकिन यहाँ रेलवे ट्रैक के ऊपर जो 75 फीट का जो जगह है उसको रेलवेज कंप्लीट करेगी। तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 512 मीटर का ROB है, रेल ओवर ब्रिज। और इसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये द्वारका एक्सप्रेसवे है। अगर मैं यहाँ से इस डायरेक्शन में चले जाऊँगा तो मैं दिल्ली की तरफ चले जाऊँगा, अगर इस डायरेक्शन में आऊँगा मैं तो मैं खिड़की दौलत टोल की तरफ यानी CPR की तरफ चले जाऊँगा। बेसिकली ये पैकेज 3 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। यहाँ पे सेक्टर 101 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये सेक्टर 104 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये सेक्टर 103 है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये सेक्टर 102A है द्वारका एक्सप्रेसवे का, ये सेक्टर 102 है द्वारका एक्सप्रेसवे का।
और ये पुराना वाला जो बसई का रेल और ब्रिज है, जो 1 लेन बाई 1 लेन का है, जिसे मोस्टली बंद कर देते हैं, एक ही लेन चलने देते हैं, तो ये वो वाला पैच है। और यहाँ पे आप आते हैं तो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे और पुराने वाले बसई रोड का। तो लेकिन आगे जाकर मेन रोड ये हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे यहाँ पे, तो ये आप 75 फीट रोड में मिल जाएंगे, जिसमें आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे राउंड अबाउट बना दिया गया है, जहाँ से आप यहाँ पे एक राउंड अबाउट बना दिया गया है, जहाँ से आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आप राघवपुर रोड की तरफ चले जाएंगे, और वहाँ से आप दिल्ली पहुँच जाएंगे, जहाँ पे नजफगढ़ कापसीड़ा रोड है। तो फिलहाल, और ये जो रेड पैच है, ये रेल ओवर ब्रिज है, और रेल ओवर ब्रिज के ख़त्म होने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पॉइंट है, ये भी लगभग 400 मीटर का है, जो GMDA बनाएगी। तो ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं, ये भी GMDA बनाएगी यहाँ तक, और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये NHAI डेवलप करेगी। इसका लेंथ भी जो है वो 400 मीटर के करीब है। ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये NHAI डेवलप करेगी। तो यहाँ से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है टोटल, वो लगभग 1.25 किलोमीटर के करीब का है। और यहाँ पे ही कहीं पे जब भी मेट्रो का काम शुरू होगा, जिसको बोलते हैं कि सेक्टर 101 या द्वारका एक्सप्रेस के पास एक मेट्रो स्टेशन होगा, तो यहीं कहीं पे होगा। लेकिन फिलहाल अभी उसका कोई टाइमलाइन नहीं है, वो अगले 5 साल में होगा, 10 साल में होगा, या 15 साल में होगा, क्योंकि हमारे CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 6 साल तो बर्बाद कर दिए सिर्फ मेट्रो के DPR को चेंज करने में। तो यहाँ पे फिलहाल गुड़गांव में 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ा है, बाकी पूरी दुनिया कनेक्ट हो गई है मेट्रो से। एयरपोर्ट जो है वो ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट हो गया है, एयरपोर्ट जो है फरीदाबाद से कनेक्ट हो गया है, एयरपोर्ट जो है पूरी दिल्ली कनेक्ट हो गई है, लेकिन जो हमारा गुड़गांव है वो पिछड़ा रह गया है। गाज़ियाबाद भी कनेक्ट हो गया है मेट्रो से, लेकिन हमारा गुड़गांव जो है वो पिछड़ा रह गया है। फिलहाल छोड़िए, आइए इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पे यहाँ पे क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं। इस वक्त मैं NH 8 में हूँ, और मैं खिड़की दौला टोल की तरफ से हीरो होंडा चौक की तरफ जा रहा हूँ, और वहाँ से मैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 37 है, और राइट हैंड साइड में सेक्टर 34 है। और जैसे ही ये सामने वाला फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा हीरो होंडा चौक का, जो कि बंद है पिछले कई महीनों से, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 34 शुरू हो जाएगा गुड़गांव का। और ये जो हीरो होंडा चौक का फ्लाईओवर बंद है यहाँ पे आगे जाकर, तो ये इसलिए बंद है क्योंकि फ्लाईओवर का एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा, कई बार 2-3 बार टूट कर नीचे गिर चुका है। और ये बिल्कुल नया फ्लाईओवर है, 1-1.5 साल पुराना फ्लाईओवर है, फिर भी उसका हिस्सा टूट कर नीचे गिर गया था। तो उसको बना रहे थे वहाँ पे, और इस वजह से वहाँ पे फ्लाईओवर बंद करके रखा है। फिलहाल इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं इसका पूरा अपडेट दे दूंगा कि ये कब बंद हुआ था और ये कब खुलेगा, इसके बारे में सारा डिटेल दे दूंगा। यहाँ से मैं लेफ्ट टर्न ले लूँगा द्वारका एक्सप्रेसवे जाने के लिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि यह हीरो होंडा चौक है, तो पूरे दुनिया में सिर्फ यही गुड़गांव का एक जगह है जहां हीरो और होंडा सेपरेशन के बाद भी एक साथ है, तो इस वजह से आज भी इसका नाम हीरो होंडा चौक है। और यहां से मैं लेफ्ट ले लूँगा। अब यहां से द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए, जो हीरो होंडा चौक से उमंग भरद्वाज चौक और वहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे जाने का रास्ता है, उस रास्ते को आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे चैनल के व्यूअर्स काफ़ी टाइम से, काफ़ी महीनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें हीरो होंडा चौक से द्वारका एक्सप्रेसवे तक का पूरा अलाइनमेंट समझना है और उसका रास्ता देखना है, और वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है, किस लेवल पे काम चल रहा है, वो सब जानना है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही सब दिखाने वाला हूँ, एंड टू एंड, शुरू से लेकर आखिरी तक सारा अपडेट देने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। 15 अप्रैल 2007 में हरियाणा के CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी इंस्पेक्शन में गुड़गांव आए थे, और उस वक्त हरियाणा के CM जो है, उन्होंने GMDA को 15 अप्रैल 2017 को ही ये डायरेक्शन दिया था कि इस रोड को हीरो होंडा चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे का जो रोड है, इसे चौड़ा किया जाए। अगस्त 2017 में इसका अनाउंसमेंट हुआ था कि इस रोड को चौड़ा किया जाएगा, इसके विड्थ को इंक्रीज़ किया जाएगा, और इस पूरे एरिया को रीडेवलप किया जाएगा। गवर्नमेंट का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट, यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट का इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट 10 अक्टूबर 2017 को आ गया था, और उसके बाद इसका DPR प्रिपरेशन का काम शुरू हो गया था। 31 जनवरी 2018 जब GMDA की फर्स्ट मीटिंग हुई थी गुड़गांव में, उसमें इसका DPR को प्रेजेंट किया गया था, और पहले ही मीटिंग में 31 जनवरी 2018 में इस पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया गया था। हरियाणा के कैबिनेट मिस्टर श्री राव नरबीर जी ने ये बताया था कि GMDA को ये प्रोजेक्ट देने से पहले
इनिशियली जो जब डिस्कशन शुरू हुआ था तो ये पूरा प्रोजेक्ट हीरो होंडा चौक से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे तक का जो प्रोजेक्ट है वो एनएचएआई को दे दिया गया था, क्योंकि लैंड एक्वायर करना था, लैंड एक्विजिशन करना था, तो एनएचएआई एक्ट में लैंड एक्विजिशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी होता है। बट एनएचएआई ने जब डिस्कशन के बाद इसे डिसअप्रूव कर दिया, तब ये डिसाइड हुआ कि कुछ पार्ट जो है वो एनएचएआई बनाएगी और कुछ पार्ट जो है वो जीएमडीए बनाएगी। और हीरो होंडा चौक से लेकर जो द्वारका एक्सप्रेसवे का ये रोड है पूरा, इसका फाउंडेशन स्टोन किया था 2 सितंबर 2018 को श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर पहले भी थे और अब भी हैं। और नवंबर 2018 में फाइनली ये डिसाइड हुआ कि एनएचएआई जो है वो 2.2 किलोमीटर्स बनाएगी इस पूरे रोड का, और स्टार्टिंग का जो 2.2 किलोमीटर है यानी NH8 से लेकर जो स्टार्टिंग के 2.2 किलोमीटर्स है वो एनएचएआई बनाएगी, और उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे से जो रेल ओवर ब्रिज तक का रास्ता होगा 400 मीटर का वो एनएचएआई बनाएगी। बाकी जो पूरा रास्ता है, ये टोटल जो इसका लेंथ है इस रास्ते का, वो 5.6 किलोमीटर्स है, जिसमें फर्स्ट 2.2 किलोमीटर्स एनएचएआई बनाएगी और लास्ट 400 मीटर्स एनएचएआई बनाएगी। और इसके अलावा जो रास्ता बच जाता है यानी 2.2 किलोमीटर से लेकर 5.2 किलोमीटर्स तक का जो रास्ता बच जाता है यानी कि लगभग 3 किलोमीटर, वो जीएमडीए बनाएगी। जीएमडीए को इनिशियली ये जो डिस्कशन जब चल रहा था तो 1 साल का टाइमलाइन बोला गया था, लेकिन जब फाइनल टेंडर अप्रूव हुआ तो उसमें 18 मंथ्स का टाइमलाइन बताया गया। टेंडर का जो टाइमलाइन है वो मार्च 2020 में ख़त्म हो रहा है, यानी काम शुरू हुआ था 2 सितंबर 2018 में जब इसका फाउंडेशन स्टोन किया गया था, और 18 मंथ्स अगर काउंट करें तो मार्च 2020 में ख़त्म हो रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में ही अगर आप आज की न्यूज़पेपर खोलेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया तो आप उसमें पढ़ लेंगे कि इसका जो टाइमलाइन है वो 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है, यानी लगभग 11 महीने और है जीएमडीए के पास इस पैच को कंप्लीट करने के लिए, ये 3 किलोमीटर के पैच को कंप्लीट करने के लिए, जिसका काम 2 सितंबर 2018 से चला आ रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट को अवार्ड करने का एक और इसमें कंडीशन ये है कि ये जो रोड बनाया जा रहा है जीएमडीए जो इसके बना रही है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो कॉन्ट्रैक्टर को 4 साल का मेंटेनेंस पीरियड भी दिया गया है, वो 4 साल तक इस रोड को रिपेयर करेगी अगर ये रोड टूटता है तो अगर ये रोड बन जाने के बाद 1 साल के बाद जब आप लोग यूज़ इसे करेंगे जो यहाँ के रेसिडेंट हैं वो प्लीज़ अगर ये रोड 4 साल तक अगले टूटता है बन जाने के बाद तो आप इसे प्लीज़ रिपेयर करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका मेंटेनेंस पीरियड ही 4 ईयर्स का है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक यहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी काम शुरू नहीं हुआ है, जितना पैच में मैंने कार चलाया एक भी काम अभी शुरू नहीं हुआ है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये उमंग भरद्वाज चौक आ गया, यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट ले लूँगा तो 4.1 किलोमीटर्स के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे आ जाएगा, और यहाँ से अगर मैं राइट ले लूँगा तो आगे टी पॉइंट पे 2-2.5 किलोमीटर के बाद बसई रोड आ जाएगा। तो ये जो सामने वाला इंटरसेक्शन है यहाँ पे एक फ्लाईओवर होगा आगे जाके, और ये पटौदी रोड और इस रोड का इंटरसेक्शन है एक्चुअली, जिसे लोग उमंग भरद्वाज चौक के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनना है उसे एनएचएआई बनाएगी। इनिशियली जब इसका डिस्कशन चल रहा था तो इसका जो कॉस्ट था प्रोजेक्ट का वो 80.75 करोड़ था इस पूरे रोड का, और टेंडर आउट हुआ ये 29 जून 2018 को, जिसमें इसका प्राइस इंक्रीज़ करके, कॉस्ट इंक्रीज़ करके 89 करोड़ कर दिया गया। और उसके बाद 25 जुलाई 2018 में इसका कॉस्ट फिर से इंक्रीज़ करके 99 करोड़ कर दिया गया, और फाइनल टेंडर जब आया तो इस प्रोजेक्ट का जो टोटल कॉस्ट निकल के आया वो 110.99 करोड़ का हो गया। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में जो बाउंड्री वॉल दिख रहे हैं वो गुरुग्राम के सेक्टर 10 का गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस सर्विस डिपो है, और यहीं से 3 किलोमीटर आगे तक जीएमडीए रास्ता बना रही है। ये टोटल 3x3 लेन का रोड होगा दोनों तरफ, साथ में सर्विस लेन भी होंगे। और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर को। इसका जो विड्थ है दोनों ही साइड वो 10.5 मीटर्स और 10.5 मीटर्स यानी कि 3x3 लेन के होंगे, साथ में सर्विस रोड होगा 7 मीटर दोनों ही साइड, एक लेफ्ट साइड भी 7 मीटर होगा राइट साइड भी 7 मीटर होगा, और 2 फुट ओवर ब्रिज होंगे ये इस पूरे स्ट्रेच में। और साथ ही साथ यहाँ से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में एटलीस्ट 12 बस स्टैंड होंगे शेल्टर वाले। 24 नवंबर 2018 को इस पूरे स्ट्रेच से 16 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करके हटा दिया गया। टोटल यहाँ पे 32 स्ट्रक्चर्स थे और 16 जो स्ट्रक्चर बचे थे उन्होंने हाईकोर्ट से जाके स्टे ले लिया। मुझे फिलहाल जिन्होंने स्टे लिया है उनका स्टेटस अभी नहीं पता है, क्योंकि और केसेस मे बी पेंडिंग हो कोर्ट में, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। अगर आपको इसका कुछ स्टेटस पता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड नीचे में दिया हुआ है।
अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37C आ जाता है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से और आगे अगर हम जाते हैं तो सेक्टर 37D आ जाएगा, और फिर बसई का रेल ओवर ब्रिज आ जाएगा नया वाला, जो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में है। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो फ्लाईओवर का काम यहाँ पे शुरू हो गया है। ये जगह से फ्लाईओवर शुरू होगा, मतलब अगर आप यहाँ से द्वारका एक्सप्रेसवे जा रहे हैं तो यहीं कहीं से फ्लाईओवर राइट हैंड साइड में ऊपर जाना शुरू होगा, और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहे हैं तो यहीं कहीं पे फ्लाईओवर से आप नीचे उतरेंगे। ये जो फ्लाईओवर है ये एग्जैक्टली बसई चौक में है। इस फ्लाईओवर का जो पूरा लेंथ है वो 519 मीटर्स का लेंथ है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं फ्लाईओवर का काम यहाँ पे काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। यहाँ पे जितने भी यूटिलिटीज़ थे, सर्विसेज थे, जैसे कि पाइपलाइन, गैस कनेक्शन का पाइपलाइन या वाटर पाइपलाइन या कोई ब्रॉडबैंड का वायर, उन सबको शिफ्ट करने का काम ऑलरेडी कर दिया गया है यहाँ पे। फिलहाल हम यहाँ से राइट लेंगे। एक और रास्ता है जो यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट चले जाता है लेफ्ट साइड में, वो रास्ता कटता है, और अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हैं तो आगे जाके पुराना वाला जो बसई का रेल ओवर ब्रिज है, जो 1 लेन बाई 1 लेन का है, जो आगे एक्सपैंड नहीं किया जा रहा है, तो वो रास्ता आ जाएगा। वहाँ से भी आप द्वारका एक्सप्रेसवे जा सकते हैं। फिलहाल आगे जाके वो मेन रोड नहीं रहेगा, मेन रोड ये रहेगा। ये रास्ता जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाके सेक्टर 101 और 104 के बीचों बीच जाएगा द्वारका एक्सप्रेसवे से, और फिर वो सेक्टर 102 और 102A के बीचों बीच जाकर जो 75 फुटा रोड है, यानी कि आप जब राघवपुर रोड से आते हैं, जो पैरेलल रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे के, वहाँ पे जाके टी पॉइंट से मिल जाएगा, जहाँ से आप लेफ्ट लेकर वापस बसई रोड के सर्कल में मिल जाएंगे। और अगर आप वहाँ से राइट ले लेते हैं टी पॉइंट से, तो आप राघवपुर रोड होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे, जहाँ पे आप नजफगढ़ कापासेड़ा रोड पे मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में कि ऊपर सामने अगर आप देखें तो पियर कैप का काम चल रहा है। हालांकि सिर्फ इसी वाले पिलर पे पियर कैप का काम चल रहा है, ऑलरेडी जो हम क्रॉस करके आ चुके हैं स्ट्रेच, वहाँ पे पियर कैप का काम कंप्लीट हो गया है। जैसे आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, वहाँ पे पूरा पिलर भी बन गया है, पियर कैप भी बन चुका है यहाँ पे। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो लेफ्ट टर्न आपको दिखाऊंगा, जिसकी मैं बात कर रहा था, और वहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो पुराने बसई रेल ओवर ब्रिज के पास पहुँच जाएंगे। ये देखिए यहाँ से ये वो रास्ता है, और यहीं से फारूक नगर भी आप जा सकते हैं स्ट्रेट, यहीं से आप सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी भी जा सकते हैं। बट आगे जाकर आप जिस रास्ते से अभी मैं जा रहा हूँ, जो मेन रास्ता होगा फ्यूचर में, वो ये रास्ता होगा। यहाँ से ही आप फारूक नगर या सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की तरफ जा पाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए। ऑफकोर्स तो इस जगह से रास्ता टर्न होता है और वो द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ जाता है। ये बसई का मेन चौक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में यहाँ पे काम ऑलरेडी चल रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में सर्विसेज और यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करने का काम चल रहा है, और यहाँ पे मैं भी कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करूँगा, जो यहाँ पे साइट सुपरवाइज़र थे, जो ये पूरा प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से। मैं उनसे भी बात करूँगा और आपको सुनाता हूँ कि उनका क्या कहना है इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। अब मैं यहाँ पे नीचे उतर के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। ये सामने सर्विसेज और यूटिलिटीज़ के को शिफ्ट करने का काम चल रहा है यहाँ पे। लेफ्ट और राइट साइड में ऑलरेडी काम हो गया, बीच का हिस्सा जो बचा है वहाँ पे काम चल रहा है, आगे नहीं हुआ है काम। यहाँ पे सामने पियर कैप का काम चल रहा है। यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो हीरो होंडा चौक की तरफ चले जाऊँगा, और पीछे की तरफ अगर जाऊँगा तो मैं द्वारका एक्सप्रेसवे चले जाऊँगा। वहीं पे एक नया रेल ओवर ब्रिज बनना है, जो सेक्टर 101 और सेक्टर 104 के डिवाइडिंग रोड पे जाके कनेक्ट होगी इस तरफ से, बसई गांव की तरफ से, जो लगभग 512 मीटर जिसका लेंथ है टोटल। तो यहाँ से फिलहाल आगे चलते हैं और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या काम चल रहा है। यहाँ पे जो जितने भी टेलीकॉम वायर्स होते हैं, लाइंस होते हैं, या फाइबर ऑप्टिकल्स के लाइंस हैं, उनको शिफ्ट कर उन यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करने का काम चल रहा है। तो एक्चुअली जब कोई भी फ्लाईओवर या कोई भी इतना बड़ा टास्क या इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता है, तो काफ़ी सारे ऐसे छोटे छोटे चीज़ें काफ़ी टाइम ले लेती हैं उनको शिफ्टिंग करने के लिए, या उनको देखना पड़ता है कि कहीं कोई तार ना कट जाए या वो पाइपलाइंस फट ना जाए। ऐसी चीज़ें होती भी हैं, टूटती भी हैं, बट उनको बनाया भी जाता है, और इन सब चीज़ों में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो आइए मैं आपको सुपरवाइजर से बात करके दिखाता हूँ कि उनके साथ मेरी क्या कन्वर्सेशन हुई। काम को तकरीबन 12 से 13 महीने हो गए चलते हुए। 12-13 महीने में, लेकिन अभी भी तो काम बहुत कम ही दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे यूटिलिटी का थोड़ा प्रॉब्लम थी। यूटिलिटी जो है शिफ्टिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। अच्छा, डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी सब कुछ ठीक हो गया? हाँ बिल्कुल। तो अब कितना टाइम लगेगा इसको पूरा कंप्लीट करने? हमारा आरओबी है, आरओबी हम तो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर देंगे। मतलब ये जो आरओबी बोल रहे हैं आप इसको, ये जो ओवर ब्रिज बन रहा है यहाँ पे, तो इसको 3 से 4 महीने में आप कंप्लीट कर देंगे? बिल्कुल। मतलब ट्रैफिक यहाँ से आ जा पाएगी? हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। 4 महीने मतलब फरवरी हो गया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून 2020 तक ये चालू हो जाएगा? चालू कर देंगे जी। मतलब इधर भी पूरा जो एरिया सारा क्लियर हो गया है, यहाँ से लेके कहाँ तक? यहाँ से लेके गौशाला तक। यहाँ से लेके गौशाला तक जो एरिया क्लियर हो गया है, ये मात्र 3 से 4 महीने लगेंगे
ठीक है जी, जो कंप्लीट हो जाएगा। उसके आगे हमारे पास आरओबी का काम है, जो हम जो इस फ्लाई ओवर इसको आगे जोड़ेंगे, रेलवे ट्रैक के पास है 104 के पास आप जोड़ोगे, उसमें थोड़ी यूटिलिटी की दिक्कत आ रही है। वहाँ पे हुआ है 66 KV की जो लाइन है उसमें शिफ्टिंग की दिक्कत आ रही है थोड़ी। क्या पावर ग्रिड वाला लाइन जो है? हाँ जी, हाँ जी, उसमें क्या दिक्कत आ रही है शिफ्टिंग में? उसमें थोड़ा या इसका जो एग्रीमेंट था वो थोड़ा लेट बना, इस चक्कर अभी एग्रीमेंट साइन हो गया है। अच्छा, वो कंप्लीट हो जाएगा, वो मतलब 2 से 3 महीने लगेंगे। तो वहाँ कब काम शुरू करेंगे? अभी स्टार्ट है जी, उधर पलियो स्टार्ट कर दिया हमने, द्वारका रेलवे ट्रैक से पलियो स्टार्ट कर दिया। मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे के साइड से, मतलब आपने काम शुरू कर दिया? शुरू कर दिया। इधर कब काम शुरू हुआ है वहाँ पे? वहाँ से हो गए जी कम से कम भी 6 महीने हो गए चलते हुए। 6 महीने हो गए काम शुरू हुए। और इधर में कब काम शुरू होगा? इधर में अभी 3 महीने और लग जाएंगे जी। 3 महीने और लगेंगे स्टार्ट करते हुए, स्टार्ट करने में। हाँ जी। तो अभी क्या क्या चीज़ है जो नीचे, जो यहाँ से स्टोर रूम वाटर जा रही है हम उसको डिसमेंटल करेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे हमारी पाइल आ रही है फ्लाई ओवर की। अच्छा। आरओबी की जो मतलब पाइल है वो वहाँ आ रही है, वो ड्रेन डिसमेंटल करेंगे, वहाँ से 66 KV वाली लाइन हटेगी तुरंत, उसके बाद तुरंत काम शुरू चालू हो जाएगा। तो आपको हरियाणा गवर्नमेंट ने कुछ बोला कि कब तक वो 66 KV वाली लाइन हटाएंगे? तो उन्होंने 3 महीने का टाइम दे रखा है। कब से 3 महीने का टाइम? मतलब तकरीबन 20 दिन हो गया अभी। 20 दिन हो गया, मतलब 2.5 महीने और बचे, 2.5 महीने और बाकी बचे। 2.5 महीने में वो कर देंगे, वो लाइन हटा देंगे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। किन से बात हो रही है हरियाणा गवर्नमेंट में? हरियाणा जी अपने एक्शन साहब है, राठी साहब है, और सौरभ जी जेई है वहाँ पे। अच्छा, उनसे बात हो रही है? हाँ जी। तो वो हटा देंगे? हाँ जी, हाँ जी, आगे उन्हें कॉन्टैक्ट दे रखा है, और 2 से 2.5 महीने लेंगे, वहाँ पे उनके पिलर वगैरह बन गया है। तो अभी आपका और कितना काम बचता है यहाँ पे? अभी तो मात्रा हम 1.5 साल में तैयार कर देंगे। 1.5 साल और लगेगा पूरा तैयार होने में? 1.5 साल और लगेगा आपको ये पूरा तैयार होने में? 1.5 साल में हम, साल सवा साल में हम इसको पूरा कंप्लीट करके, मतलब 1.5 साल में यहाँ से जो आपका पैच है टोटल कंप्लीट करके हैंड ऑफ कर देंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, लेकिन इसमें भी तो NHAI का भी तो पार्ट है ना आगे का? नहीं, वो NHAI का पार्ट हमारे पास नहीं है, उसका अभी टेंडर नहीं हुआ। करेक्ट, वो NHAI तो अलग से कर रही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आपका जो पार्ट है आप उसको 1.5 साल में कंप्लीट कर दोगे यहाँ से? बिल्कुल, सारे का टोटल कंप्लीट करके दे देंगे, हैंड ओवर कर देंगे गवर्नमेंट को। अच्छा, और ये कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो ये कर रही है, बना रही है? ये GMDA के पास है काम। GMDA ने भी तो आउटसोर्स किया हो ना किसी कॉन्ट्रैक्टर को? ये राम कुमार कॉन्ट्रैक्टर को काम दे रखा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो आपने सुना कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर से क्या बात हुई, और उनके हिसाब से एटलीस्ट 1.5 से 1.5 साल और लगेगा, बट इसका जो डेडलाइन है फिलहाल वो अब एक्सटेंड करके 31st of December 2020 कर दिया गया है, जो कि लगभग एग्जैक्टली मैच करता है पैकेज 3 और 4 के डेडलाइन से। द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 3 और 4 है उसका भी डेडलाइन यही है, इसी के आसपास नवंबर 2020 में वो पैकेज ख़त्म हो जाने हैं कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से आगे चलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। फिलहाल मेरे राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 9 है गुड़गांव का, और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 9B है गुड़गांव का। ये जो आप अभी पतला सा रोड देख रहे हैं जहाँ पे HSVP की गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, गुरुगमन, ये एक्चुअली यहाँ पे ये इनका पार्किंग स्पेस नहीं है, इनको पार्क होना चाहिए था पीछे जो डिपो दिखाया था मैंने वहाँ पे, बट मुझे पता नहीं कि क्यों वो रोड पे पार्क कर रहे हैं गाड़ी। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यूटिलिटीज़ को शिफ्टिंग का काम चल रहा है जहाँ पे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो 66 KVA का लाइन का यहाँ पे भरमार है, यहाँ से आगे तक एटलीस्ट 600 मीटर का पैच है जहाँ पे 66 केवीए का जो लाइन आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में हाई टेंशन वायर्स का और टावर्स का, इनको भी यहाँ से शिफ्ट करना है। साथ ही साथ राइट हैंड साइड में भी आप देखेंगे कि पतले पतले 11 केवीए के वायर्स जा रहे हैं, उनको भी शिफ्ट करना है। तो दोनों ही चीज़ों को शिफ्ट करना है यहाँ से, और ये जो रोड है ये और चौड़ा होगा, यहाँ पे 3 लेन बाई 3 लेन प्लस 1 बाई 1 लेन सर्विस लेन होगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे ये बोर्ड, यहाँ से अगर आप राइट ले लेंगे तो आप रेलवे रोड की तरफ निकल जाएंगे, यहाँ से आप रेलवे स्टेशन पहुँच सकते हैं गुड़गांव के। और यहाँ से फिलहाल आगे चलते हैं। अब जैसा कि मेट्रो जो बताया जा रहा है कि मेट्रो आएगी, तो वो इसी एरिया में कहीं मेट्रो स्टेशन होगा इस जगह का, जो कि कनेक्टेड होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ, तो यहीं कहीं पे होगा। एग्जैक्टली वो लोकेशन क्या है वो मुझे नहीं पता, बट यहीं कहीं पे होना चाहिए वो। यहाँ से फिलहाल सीधा चलते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि 11 केवीए का जो लाइन है ये एक बहुत बड़े एनाकोंडा जैसे हाई टेंशन टावर में जाके मिलेगा, तो उसका भी हटना ज़रूरी है। और मैं ये पता कर लूँ अगर ये पावर ग्रिड ऑफ इंडिया हटा रही है, तो जैसा कि मैंने बाकी चीज़ों में हेल्प लिया था द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3-4 से हाई टेंशन वायर्स और टावर्स को हटाने के लिए हेल्प लिया था, काफ़ी सीनियर IAS ऑफिसर हैं पावर ग्रिड ऑफ इंडिया में श्री दीपक कश्यप जी, तो मैं उनका हेल्प यहाँ पे भी लूँगा इनको जल्दी से जल्दी मूव कराने के लिए, सो दैट जो इसका टाइमलाइन है वो और आगे एक्सटेंड ना हो। और अब से मैं इसे भी ट्रैक करना शुरू कर दूंगा रेगुलरली।
और यहाँ पे जो रेलवे ब्रिज बनेगा वो इसी जगह से बनना शुरू होगा, जिसका लेंथ होगा 512 मीटर। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर के बाद द्वारका एक्सप्रेसवे है। अभी मैं हीरो होंडा चौक की तरफ फेस कर रहा हूँ। अब मैं पीछे मुड़ूंगा, यहाँ पे नीचे उतर चुका हूँ मैं कार से। सामने आप देख सकते हैं पूरा ये डॉकयार्ड है, जहाँ पे काम कॉन्ट्रैक्टर का सारा सामान रखा हुआ, पाइपलाइंस रखे हुए हैं। तो ये पाइपलाइंस का भी काम यहाँ पे बचता है, अभी ये सर्विसेज यूटिलिटीज़ का काम कंप्लीट हुआ नहीं है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा हाई टेंशन टावर है। ऐसे ही हाई टेंशन टावर्स जो थे वो द्वारका एक्सप्रेस वे में भी थे, जो बहुत मुश्किल से हटे थे, उसके वजह से काफ़ी डिले हो गया था। फिर मैंने श्री दीपक कश्यप जी जो हैं सर हैं, उनका हेल्प लिया था इनको इमिडिएटली एक्शन करवाने के लिए। तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा उनको इन्वॉल्व करने का और उनका हेल्प लेने का। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है, उसका भी शिफ्टिंग होना है यहाँ से। और ये रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक के बाद आप जो हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं राइट साइड में, वो सेक्टर 104 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। और लेफ्ट हैंड साइड में आपको हाई टेंशन बिल्डिंग दिख रही होगी बिल्कुल एंड में, वो सेक्टर 102 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। इस रेलवे ट्रैक को जैसे मैं क्रॉस करूँगा तो राइट साइड में सेक्टर 104 है, और लेफ्ट साइड में जो वेटलैंड है वो सेक्टर 101 है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ थी, यहाँ पे बच्चे थे वो टिकटॉक के वीडियोस बना रहे थे, और पता नहीं रेलवे ट्रैक में वो क्यों खड़े थे यहाँ पे, बट यहाँ पे खड़े होकर कुछ तो वो ढूंढ रहे थे, लोहा वोहे का कुछ सामान वामान ये सब। अब यहाँ सामने आप देख सकते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे, ये जो सीधा रास्ता है यहीं से बिल्कुल तकरीबन 700-800 मीटर के बाद द्वारका एक्सप्रेस वे, तो यही रास्ता आगे जाकर कनेक्ट हो जाएगा द्वारका एक्सप्रेस वे में। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है बड़ी वाली बिल्कुल बीचों बीच, वो सेक्टर 104 है, ATS ट्रायम्फ है वो प्रोजेक्ट सेक्टर 104 का। उसी के सामने, मतलब यहाँ से अगर मैं पहले जाऊँगा तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक STP प्लांट भी है हुडा का। इसके ठीक और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो तीन तीन करके आपको बड़े बड़े टावर्स दिख रहे हैं, वो सेक्टर 104 का पूरी इमराल्ड बे है ये राइट हैंड साइड वाला। और अगर एक्सट्रीम राइट में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे नहीं, अब जो एक्सट्रीम राइट में देख रहे हैं वो गोदरेज समिट है सेक्टर 104 का। और ठीक इस बिल्डिंग के पीछे सेक्टर 103 है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में सामने सेक्टर 101 है, और पीछे हाई राइज जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं वो सेक्टर 102 है। और इसी रास्ते से बिल्कुल जब आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो पहले द्वारका एक्सप्रेसवे आएगा 700-800 मीटर के बाद, और उसके बाद राघवपुर रोड यानी 75 फुटा रोड जो है वो आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट जाते हैं तो बजगिड़ा रेलवे ब्रिज आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाते हैं इधर राइट साइड की तरफ तो सेक्टर 37D के पास जो बसई का रेलवे ब्रिज है, जो नया वाला रेलवे ब्रिज बना था, वो आ जाएगा। यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट अगर आप जाते हैं और पीछे के डायरेक्शन में जाएंगे तो बजगेड़ा का रेलवे ब्रिज आ जाएगा। तो यहाँ से अब मैं नीचे जाऊँगा तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे रेलवे ब्रिज आना है, जिसका काम फिलहाल अभी शुरू हुआ ही नहीं है। और यहाँ पे जो बीच का पोर्शन है तकरीबन 75 फीट का जो पोर्शन होगा वो रेलवेज बनाएगी, तो वहाँ पे भी मैं श्री दीपक कश्यप जी का जो सीनियर IAS ऑफिसर हैं उनका हेल्प लूँगा इसको भी फास्ट ट्रैक करवाने के लिए। बट फिलहाल यहाँ पे काम अभी शुरू ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे अगर GMDA काम शुरू कर देती है और जल्दी से दोनों पैचेस को बना देती है लेफ्ट और राइट साइड वाले, तो फिर रेलवे से भी फास्ट ट्रैक काम करवाया जा सकता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो सेक्टर 102 का अदानी ओएसटीज है, सामने ATS ट्रायम्फ है, और ठीक ATS ट्रायम्फ के पीछे जो आपको छोटी छोटी बिल्डिंग दिख रही है वो सेक्टर 103 का स्टेला प्रोजेक्ट है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि हाई टेंशन यहाँ पे टावर है। लेफ्ट में बिल्कुल आप पीछे अगर बिल्डिंग देखेंगे सोसाइटी वाली, तो वो हेरिटेज मैक्स था सेक्टर 102 का, जो पुराने वाले बसई रेलवे ब्रिज से अगर आप नीचे उतरते हैं और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे, तो आप हेरिटेज मैक्स के पास मिलते हैं। ये बड़ा सा हाई टेंशन वायर है जो मुझे काफ़ी देख के परेशानी हो रही है, क्योंकि इसको शिफ्ट करना बहुत ही टेंशन वाला काम है और इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर द्वारका एक्सप्रेसवे का भी आप देख लेते हैं हाई टेंशन वायर को, जो शिफ्ट करने का काम चल रहा है वो भी फास्ट ट्रैक कराने के बाद भी काफ़ी स्लो चल रहा है, तो इसमें अभी और कितना टाइम लगेगा, और इसके वजह से ये रेल और ब्रिज जो यहाँ पे बनना है वो डेफिनेटली डिले होगा अगर ये टाइम से नहीं हटा तो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई आला अधिकारी या कोई सीनियर IAS ऑफिसर देख रहे हैं हरियाणा के, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें। अगर कोई मिनिस्टर या कोई MLA या कोई पार्षद भी देख रहे हैं, काउंसलर भी देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें। जो लोग यहाँ रहते हैं और जिन लोगों को इम्पैक्ट है, उनको फ़ायदा होगा इस रेल ओवर ब्रिज के यहाँ पे बन जाने से, वो लोग भी गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखें PGPORTL, PGPortal.gov.in, वहाँ जाके आप कंप्लेन भी डाल सकते हैं कि काम स्लो चल रहा है, सो डैट सेंटर से प्रेशर आए हरियाणा गवर्नमेंट के ऊपर इस काम को फास्ट ट्रैक करने के लिए। आप हर मिनिस्ट्री में जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं एक्चुअली, उस वेबसाइट में जाके, गवर्नमेंट का ही वेबसाइट है वो।
वीडियो बनाकर मैंने अपना काम कर दिया है। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा क्योंकि काफ़ी टाइम तक लगातार बोलना पड़ा मुझे और गला बिल्कुल सूख गया है, तो मैंने अपना काम कर दिया है। आप भी वीडियो को शेयर करके अपना काम कर दीजिए, वीडियो को सब ग्रुप में शेयर कीजिएगा, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, जिसको भेज सकते हैं जो भी लोग इम्पैक्टेड हैं उन सब के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए बेल बटन पर यहाँ पर क्लिक करके ऑल को प्रेस करें। आप ज्वाइन पे क्लिक करके मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू हेल्प भी कर सकते हैं।